CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हम सब ने मिलकर ईस्टर संडे सेलिब्रेट किया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर फतेह को हमने सेलिब्रेट किया और याद किया, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। और पिछले हफ्ते रिबेका हमने क्या सीखा था? हाँ, इन द टूम सीरीज हमने किया था, जहां हमने कई बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखी और उम्मीद करते हैं कि उन कब्रों में से, उन मुश्किलों से, उन तकलीफों से खुदावंद यीशु मसीह ने आपको निकाला है, और आपको पता चला कि वाकई हमारा परमेश्वर कब्र में नहीं, एक जिंदा परमेश्वर है। जी बिल्कुल, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिसमें वो सामर्थ है जो हमें हमारे चैलेंजेस पर भी फतेह दे सकता है। जो भी हमारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स जिन्हें हमने अपने दिल के किसी कोने में गाड़ा हुआ है, दफनाया हुआ है, उनके साथ डील करने में वो हमारी मदद करता है और उन पर जय पाने में वो हमारी मदद करता है। और दर्शकों, आज जो हमारा थीम है वो क्या है? वो है कि हाउ कैन वी एक्सपीरियंस न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी, व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डेड प्लेस। बिल्कुल सही कहा रिबेका ने दोस्तों, पर एक नई जिंदगी, और कैसे हमें ये नई जिंदगी मिल सकती है? जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना आए, तो आइए सुनते हैं गीत, पवित्र आत्मा आ। कितना आत्मिक और खूबसूरत गीत था ये, पवित्र आत्मा आ। आपको पता है, खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन, पेंटिकॉस के दिन, खुदावन ने अपना एक कंफर्टर भेजा, जिसको हम
परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहते हैं, और ये तभी आपके अंदर आएगा जब हम गुनाहों से तौबा करेंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, फिर एक नई जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने जीवन में इस नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता स्थापित हो, आप उनको जानें, अपने गुनाहों से आप तौबा करें और उनके प्रेम को अपने जीवन में, उनकी माफ़ी को अपने जीवन में आप जानें। और दोस्तों, अगर ऐसे और गाने आप सुनना चाहते हैं, उनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे बहुत सारे और खूबसूरत गीतों से आशीष पा सकते हैं। और रिबेका, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, ऐसी कोई इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी है जिससे हमें पता चला कि ऐसी मुर्दा हालत में भी एक नई जिंदगी इंसान को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरी आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं नागालैंड के रहने वाले रेनबी लोथा से। एक बहुत बड़े एक्सीडेंट ने रेनबी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक्सीडेंट के बाद रेनबी जीना नहीं चाहते थे, बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत मुश्किल हालातों से वो गुजर रहे थे, लेकिन इन हालातों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और एक होपलेस सिचुएशन से वो उभर पाए। आज वो अपनी इंकरेजिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आइए दोस्तों इनसे मुलाकात करें। सबकी अपनी कहानी होती है और ये मेरी कहानी है। मैं हूँ रेनबी, नागालैंड इंडिया से। मैं एक मसीही परिवार में पला बढ़ा हूँ। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने एक इवेंट में जाने का फैसला किया और घर लौटते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक पूरी तरह से लदे हुए ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मार दी और हमारी कार बुरी तरह से तहस नहस हो गई, वो पूरी तरह से टूट गई थी। कार में हम चार लोग थे और मैं अकेला था जो गंभीर रूप से घायल हुआ था। मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए, मैं बेहोश था। 7 दिनों के बाद जब मैं उठा तो मैंने खुद को ICU में पाया। पहले तो मैंने अपना चेहरा अपनी उंगलियों से महसूस किया और इसके बाद मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा चेहरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे खुद को लेकर शर्म महसूस होने लगी। मैं निराशा से भर गया और मुझे अपने कमरे से बाहर जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अपने गुस्से और निराशा में डूबकर मैंने अपनी बाइबल को काट कर फेंक दिया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे जीवन में आगे बढ़ने या जीने की चाह महसूस नहीं होती थी। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। लोग मुझसे मिलने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मिलने आने लगे, यहां तक कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे लगा जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का फैसला किया। मैंने अपना सारा दर्द और बोझ उन्हें दे दिया। मेरे सारे भावनात्मक घाव, सारी अनिश्चितताएं और डर मिटने लगे और साल 2018 में मैं एक बाइबल स्कूल गया जिसने मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मैं इस सच्चाई को जानने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी असली पहचान है। उन्होंने अपने वचन से मेरे मन को नया करना शुरू किया। बाइबल का एक वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है यशायाह 53:5, शालोम की शांति के लिए मसीह के शरीर को तोड़ा गया था, हमारी पूर्णता संपूर्णता के लिए कुछ नहीं टूटा, हम में कोई कमी नहीं है। एक और वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है इफिसियों 3:20 से, जो कहता है कि परमेश्वर बहुतायत से अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारी अंदर की पूरी शक्ति से मांगने और हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे लिए बहुत कुछ करने में सक्षम है। इस तरह से ये वचन मेरे काम आए। आज मैं अपने लुक्स को लेकर शर्मिंदा नहीं होता हूँ, मुझे अब शर्म नहीं आती। मेरे मन में केवल एक ही बात है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी सेवा करूं। आज परमेश्वर लोगों को उम्मीद देने के लिए मुझे एक गवाही के रूप में मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
और मैं लिविंग लाइफ प्रेयर और हीलिंग सेंटर दीमापुर में एक केयर टेकर के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आप शायद पाप भरे जीवन के बोझ तले दब जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दे सकता है। और अगर आप किसी भी मुसीबत भरे हालात से घिरे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल, रिलेशनल, बिजनेस या कुछ भी हो, परमेश्वर आपकी बुरी से बुरी स्थिति को फिर से बदल सकता है। परमेश्वर आपके मरे हुए सपनों और आपकी सोच को नया जीवन दे सकता है। कितनी खूबसूरत कहानी थी, सच्ची कहानी थी रेनबी की। किस तरह उसने कहा कि अपने जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम्स, प्रभु यीशु मसीह को दे दो, और एक मुर्दा हालत से भी खुदावंद परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। आई वॉज रियली इनकरेज बाय दैट स्टोरी, रियली। चेहरा तो हमारी पहचान है, और अगर हमारा चेहरा ही इस तरह से इस रीति से खराब हो जाए तो कितना मुश्किल है ऐसी सिचुएशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना। लेकिन परमेश्वर ने रेनबी की मदद की और रेनबी ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और जैसे वो कहते हैं, उन्होंने अपने सारे बोझ, अपने दर्द प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन दर्द को लेकर के अपना प्रेम और अपना आराम और अपनी शांति रेनबी को दी, और आज रेनबी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एक नई जिंदगी उन्होंने पाई है, और वो कितने खुश हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। ना उम्मीद मत होइए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, और एक नई जिंदगी, एक नई आशा, एक नई उम्मीद आपको दे सकता है। ऐसी एक शख्स था मेरे अजीजों, जो हम यूहन्ना के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, इसके बारे में। एक बड़ा अच्छा दोस्त था प्रभु यीशु मसीह का, जो बहुत बीमार हो जाता है और मर जाता है। उसका नाम था लाजर। और आप तो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह गए, 4 दिन लेट गए, पर उसको उस मुर्दा हालत से, उस कब्र से, उसको जिंदा बाहर बुला लिया प्रभु यीशु मसीह ने। कहा, लाजर बाहर आ जा, लाजरस कम फोर्थ। और वो अपने ग्रेव के कपड़े पहनकर वो कफन उड़ के बाहर आ गया वो, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूज हिम, उसको खोल दो। एंड उसको उन्होंने वो सारे जो कपड़े बांधे हुए थे उसको आज़ाद कर दिया। और 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ें, एक बड़ा ज़बरदस्त डिनर चल रहा है। उस डिनर में पतरस भी है, नथैनियल है, वहाँ पे यूहन्ना है, और सारे शिष्य हैं, और भी लोग हैं वहाँ पे। मार्था खूब लगी हुई किचन में काम कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे पकवान लेके आ रही है, गरम गरम खाना आ रहा है, और वहाँ सर्व कर रहे हैं। मरियम बैठ के प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रही, और सेंटर ऑफ द चीफ गेस्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ साइड में कौन बैठा है, कौन बैठा है प्रभु यीशु मसीह के बगल में? वो मुर्दा लाजर, जिसको खुदावन यीशु मसीह ने जिंदा किया। वो प्रभु यीशु मसीह के रफाकत और शराकत और फेलोशिप में बैठा है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नई जिंदगी दी। क्यों दी जिंदगी? ताकि उसके साथ वो संगति रख सके, उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बातें सुनकर वो आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, जब लाजर को उस दस्तरखान पे खुदावंद यीशु मसीह बिठा सकता है, फेलोशिप ला सकता है, तो आपको भी ये कर सकता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 5:24, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, वह अनंत जीवन पाता है। न्याय का दंड उस पर नहीं पड़ेगा, इसके विपरीत वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश पा जाता है। देखा दोस्तों, ये कलाम, ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है। वो एक नया जीवन आपको देना चाहता है। उस पर अपना ईमान लाएं, उसको अपनाएं अपने जीवन में, ताकि आप भी मृत्यु से निकलकर अनंत जीवन में आप भी पहुंच जाएं। दोस्तों, क्या आप इस नई जिंदगी को पाना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं? डू कॉल अस ऑन अ CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। हम प्रभु यीशु मसीह को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वी वुड लव टू टेल यू अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हाउ ही कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइव्स विद हिज लव। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, व्हाट्सएप से भी इन मैसेजेस को हमें भेज सकते हैं। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस के।
और दोस्तों अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने आपके पुराने गीतों को नए रूप में ढालकर पेश किया, जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं CNI चर्च कोटा राजस्थान से। आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे 9910401010 यानी 99104-01010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों, प्रार्थना के समय में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं दैट हाउ कैन वी बी अलाइव एंड फाइंड अ न्यू लाइफ व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डेड प्लेस। जब हम अपने जीवन में एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज का सामना करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो हमारे जीवन का वो हिस्सा मर गया है, ऐसे समय में हम कैसे उससे उभर सकते हैं और एक नई जिंदगी पा सकते हैं। रुबेका, कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे सामने? जी बिल्कुल, हमारे पास आज भी आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनमें से हम दो मैसेजेस पढ़ेंगे। और ये पहला मैसेज हमें भेजा है विनय कुमार ने व्हाट्सएप से। ये कह रही है, मैं अपनी लाइफ में बहुत गिल्टी फील करता हूँ, मुझे किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं और लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। विनय, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जाने, उनके प्रेम को अपने जीवन में जाने। वो ही है जो आपको आपके जीवन में सही मायने में सक्सेस दे सकते हैं। दर्शकों, एक और मैसेज आया हमारे पास और महिमा जी यूं लिखती हैं, लॉकडाउन के बाद मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू की हैं, प्रार्थना कीजिए कि ज्यादा स्टूडेंट्स आए। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो गए हैं तो और कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, कृपया मेरे कोचिंग सेंटर के लिए प्रार्थना कीजिए। महिमा जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनय के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीषें आप पर आए और एक ब्रेक थ्रू आपको आपकी ज़िंदगी में मिले। सो शैल वी प्रे। आइए दर्शकों, आप भी जुड़िए हमारे साथ विश्वास के साथ और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये धरती और आकाश और ज़मीन और स्वर्ग के खुदावंद और हमारे महिमा के राजा, हमारे परवरदिगार, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आप ही के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, विनय और महिमा को लेकर आते हैं। प्रभु जी आप जानते हैं किस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनकी कश्मकश हैं। प्रभु जी आप ही जानते हैं प्रभु जी। और जो हमारे दर्शक जो आज देख रहे हैं प्रभु जी, उनकी लाइफ में भी जो स्ट्रगल्स हैं, जो कश्मकश हैं, जो परेशानी है, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं प्रभु जी। आप एक हल निकालिए, उनके कामकाज पे आशीष दीजिए, इस आर्थिक तंगी से उनको निकालिए, उभारिए और प्रभु जी अपनी आशीष की बरखा उन पे और उन सब दर्शकों के ऊपर
लेकर आइए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, वेट कीजिए, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इनफैक्ट वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड इंक्लाइंस हिज ईयर्स टुवर्ड्स अस, वो हमारी सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारे लिए सही है वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो आप विश्वास में बने रहें, और समय है कि हम देखें कि परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हमारा जीवित वचन आज क्या हमें बता रहा है। कितना सामर्थी वचन है जो हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जब वो हमारे अंदर बस जाता है, और वो तब होता है जब हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, उनसे हम उन अपने पापों की क्षमा पाते हैं और एक नई जिंदगी पाते हैं। जब वो हमारे जीवन में वास करता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, तो वो हमारी मदद करता है कि अपने जीवन के हर मरे हुए हिस्से में भी हम एक नई जिंदगी पाएं, एक नया जीवन पाएं। दोस्तों, दर्शकों, अब एक ब्रेक लेने का समय आ गया है, पर जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम देखेंगे सुपर बोक ईस्टर सेलिब्रेशन नॉर्थ ईस्ट में कैसे मनाए गए। SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं। अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। सोशल रोल वैलराइजेशन को विस्तार से समझने के लिए ज्वाइन अवर एक्सपर्ट्स गीता मंडल एंड एलिजाबेथ न्यूविल ऑन जूम ऑन वेडनेसडे 30th अप्रैल 2022। रजिस्टर नाउ ऑन www.cbnindia.org टू पार्टिसिपेट इन दिस फ्री ऑनलाइन SRV वर्कशॉप। वेलकम बैक दर्शकों, आइए आपको हम कैलिंगपोंग ले चलते हैं, जहां आराधना चर्च के बच्चे ईस्टर की स्टोरी हमें बता रहे हैं। जी दोस्तों, और ये एक बहुत ही मज़ेदार ईस्टर एग हंट है जिसमें हम भी इनके साथ भाग लेंगे। चारों तरफ बच्चों की किलकारियां हैं, तो आइए दोस्तों इनकी ईस्टर सेलिब्रेशंस की झलकियां हम देखें। एस्टर मनोना को जो गेम मनीचे आज गेम थी ट्रेजर हन सिल्वर कलर को अंडा खोजने भन्न थे हमी अप्र जगह में राखे थे हमें खोजो अस में स्वीट्स थो अब हामीले अनि नानीहरूले अब टिभीहरूतिर मात्रै देखेको थियो, अनि यो यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अब रियल लाइफमै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एकदमै खुसी भयो अनि धेरै एक्साइटेड थियो। त्यो गेम खेलेर चाहिँ हामीलाई रमाइलो लाग्यो। म र मेरो फ्रेन्डले चाहिँ चारवटा कलेक्ट गर्यो,
आज चाहिँ हामी एउटा स्टोरी सुन्नेछौँ, त्यो चाहिँ हो द स्टर स्टोरी। जेसु ख्रिस्ट चाहिँ के भन्छ टेम्पलमा जानुभयो, हेर्नुको लागि जानुभयो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ पुरा बिजनेसहरू गरिरहेको थियो। तर त्यहाँदेखिको येसु ख्रिस्टले चाहिँ त्यो रोक्नुभयो, अनि यो चाहिँ प्रेयर सेन्टर हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। द टेम्पल वाज नट अ प्लेस टु मेक मनी बट टु नो गॉड मोर। Find my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Jesus is risen. The tomb is empty. For years we've heard his message. Now we see it. We must find the others. Yes, tell them what we've seen. Glen Rees, along with Edwards Foundation, are giving away Easter eggs this Easter to the children of Aradhana Church, Padang. We want them to have a good time during Easter, and also wishing everyone a happy Easter. अस्ति चाहिँ मैले गिज्मोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्नु पाएँ मैले चाहिँ गिज्मोलाई आज यहाँ। अन्त मलाई चाहिँ गिज्मोलाई देखेर चाहिँ पुरै राम्रो लाग्यो। गिज्मोसँग पनि नाचेँ म, अन्त सबैसँग उयो भएर लास्ट इयर चाहिँ सिबिएनमा त्यो जुन सो थियो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले टिभीमा मात्रै देखेको थियो गिज्मोलाई, अन्त त्यहाँदेखि उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको थियो हामी गिज्मोलाई हेर्छौँ अर्कोपालि भनेर। अनि त्यसरी नै योपालि चाहिँ गिज्मो आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नानीहरू पुरै खुसी थियो, अन्त नानीहरू गिज्मोसँग डान्स पनि गर्यो, अनि गिज्मोलाई देखेर उनीहरू एकदमै एक्साइटेड थियो। हामी सबै नानीहरूको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु, अनि साथै सबैलाई ह्याप्पी इस्टर हामीले विश गर्न चाहन्छु। वाओ, दैट्स सो मच अ फन। बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। दैट इज सो नाइस। दर्शकों, हमने इस एपिसोड में क्या सीखा कि जितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, जितना भी ट्रेजेडी क्यों नहीं जिंदगी में आई हो, या किसी भी ऐसे ग्रेव में आप पड़े हों जिसमें बिल्कुल ना उम्मीदी हो, रेनबी के लाइफ से हमने देखा फिर भी एक आशा है, एक नई जिंदगी आपको मिल सकती है, एक नई उम्मीद मिल सकती है। लाजर की जिंदगी से देखा कैसे 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पे खाना खा रहा है। माय फ्रेंड्स, गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। वी वांट टू इनकरेज यू कि निराश मत होइए, डोंट लूज होप, ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास लाओ, अपना जीवन उसको दो, वो भी आपको ऐसी हालतों से निकाल कर एक नई जिंदगी का आनंद जरूर देगा। वो जी बिल्कुल, इंसान पर विश्वास करके हम निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आप कभी निराश नहीं होंगे। और दोस्तों, अपने फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी को अगर आप और लोगों के लिए भी आशीष का जरिया बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सपोर्ट करें। CBN इंडिया की वेबसाइट पर www.cbnindia.org/gifttocbn पर आप जाएँ और अपने अनुदान के द्वारा आप हमारे सहभागी बने। दर्शकों, हमारे अब जाने का समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पर। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।